कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। और आज हम आज का हमारा टॉपिक है प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जो किसी भी जिसमें जिस भी एग्जाम में सीडीपी आती है उस एग्जाम में ये वाले जो टॉपिक है इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बन के सामने आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। टॉपिक है प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्याजे जी ने दिया था, और प्याजे जो कि एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ऐसे ऐसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक यानी कि पहले तो हम बात करते हैं संज्ञान की। संज्ञान क्या होता है? देखिए, संज्ञान है कि बच्चा जो है धीरे धीरे जैसे अपनी छोटी एज से जैसे जैसे बड़ा होता है ऐसे ऐसे उसकी मानसिक क्रियाएं किस अकॉर्डिंग डेवलप होती है, किस तरीके से विकसित होती है, यानी कि मानसिक जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं। और मानसिक क्रियाएं क्या होती है, अगर हम बात करते हैं मानसिक क्रियाओं की, तो मानसिक क्रियाएं जैसे कि उसकी सोचने की कितनी क्षमता है, किस तरीके से वो समस्या का समाधान करता है। जैसे छोटा होता है तो वो किसी और तरीके से सोचता है, फिर बड़ा होता है तो वो किसी और तरीके से सोचता है, उसकी डेवलपमेंट के तरीके अलग होते हैं। तो जितनी भी मानसिक क्रियाएं चल रहे होते हैं वो दूसरों को अपना कब मानने लगता है, कब वो चीजों को पहचान ले लगता है। तो ये सारी जो भी मानसिक क्रियाएं हैं उन्हीं को कैसे हम किस तरीके से बच्चा विकसित करता है अपनी एज के अकॉर्डिंग या फिर अपनी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। दो पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट बताए थे उन्होंने प्याजे जी ने कि संज्ञान को विकसित करने के लिए दो, ये एज और एक उसकी हेरिडिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हम समझे कि जो संज्ञान है वो क्या है, किसी भी बच्चे की मानसिक क्रियाएं किस तरीके से विकसित होती है, इसी को उन्होंने स्टडी किया और इसी सिद्धांत को अपना नाम दिया प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हम बात करते हैं कि ये जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात करी है तो उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा डिस इक्विबिलियम से इक्विबिलियम की स्टेट में जब पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास बच्चे का हो रहा है। डिस इक्विबिलियम यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जैसे बच्चा जो है शुरू में चीजों को नहीं पहचान पाता तो वो सोचता है कि जो दो तरह की डिफरेंट, जब ज्यादा ही छोटा बच्चा है 6-7 मंथ का होता है तो वो पता है, उसे पता ही नहीं कौन सी चीजें खाने की है, कौन सी चीजें उसके खेलने की है। वो सब चीजों को, सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है बच्चों की, वो सब चीजों को पकड़ता है मुंह में, चाहे वो खाने की है चाहे नहीं खाने की है। यानी कि वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, उसे पता ही नहीं है कि चीजें खाने की है या नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बच्चे उनके पेरेंट्स उन्हें बताते जाते हैं कि क्या चीज सही है, कौन सी चीज खेलने की है, किस तरीके से खेला जाता है या किस चीज को किस तरह से यूज करा जाता है, कोई भी XYZ चीज को कैसे यूज किया जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन की स्टेट है बच्चे की या थोड़े बड़े व्यक्ति की, जैसे जैसे वो अपनी स्टेप एज को बढ़ता जाता है उस स्टेट से वो एक बैलेंस की स्थिति में आ जाता है। जैसे कि जब उसे पता लगने लगता है, छोटे बच्चे को थोड़ा सा 2 साल का बच्चा होगा तो उसे पता लग जाए कि ये चीज खाने की है क्योंकि पेरेंट्स ने उसे ये बताया है ना। और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसमें अपनी अकल आ जाती है कि नहीं, ये मुझे नहीं खाना है, ये वाली चीज मेरी खाने की नहीं है, ये जो है बड़े लोगों के खाने की होती है, ये वाली चीज खाने से जो है हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। तो ये वाली चीजें क्या है, उसमें जो है एक बैलेंस की स्थिति आ जाती है। तो यही जो प्रोसेस है डिस इक्विबिलियम से इक्विबिलियम का जो होने तक का जो प्रोसेस है उसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को पूरा हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन बहुत ही बड़ा लेंथी प्रोसेस है, बच्चे के छोटे होने से और बड़े होने तक का प्रोसेस जो भी है
उसे हम इक्विलिब्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और इक्विलिब्रेशन प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। पहला प्रोसेस होता है, पहला पार्ट है एडेप्टेशन अनुकूलन और दूसरा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो पहले हम बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन अडेप्टेशन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यानी कि चीजों के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से चेंज होते जाते हैं वो क्या है अनुकूलन। इकोसिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा कि अनुकूलन की बहुत यही डेफिनेशन लिखी हुई आती है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। तो ये वही चीज है कि जैसे भी हमारे आसपास के एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को उस वातावरण में कैसे ढालते हैं या उन चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को सूटेबल कैसे बनाते हैं, तो उसी चीज को हम कहते हैं अनुकूलन। अब इस अनुकूलन, क्योंकि ये भी एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, इस अनुकूलन को दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आत्मसात्करण और सेकेंड है समायोजन। आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड समायोजन मीन्स एकोमोडेशन। तो इन दोनों को फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक वर्ड होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी चीजें जो हैं इसी के आसपास घूमती हैं। और ये जितने भी टर्म्स हैं अनुकूलन है, स्कीमा है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, समायोजन, आत्मसात्करण, ये सब चीजें जो हैं ये इन्हीं टॉपिक पर बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर कि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से ये क्या चीज है, यानी कि ये ही जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है अगर आप इसे ही अच्छे से समझ लेंगे तो प्याजे की थ्योरी का एक पार्ट जो है वो आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और इसी पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता रही थी स्कीमा क्या है। स्कीमा यानी कि दिमाग में ज्ञान की मानसिक संरचना। जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है डे टू डे लाइफ में, जो भी चीज हमें मिल रही है उसमें, उसे हम दिमाग में किस तरीके से समायोजित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये मैंने आपसे कहा कि ये डस्टर है और ये मार्कर है, या फिर कुछ और चीज पेन है, या फिर मैंने आपको दिखाया कि बॉल है, तो आपको क्या है, आपको पता है कि डस्टर यही होगा और मार्कर यही होगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये सब चीजें पहले से ही हैं। और है क्या, है कैसे, है इसलिए कि जब आपको कभी सबसे शुरू में ये चीजें दिखाई दी होंगी नई चीजें, तो आपको ये पता चला होगा कि डस्टर जो है ऐसा दिखाई देता है। इसका क्या काम होता है, इसका रब करने का काम होता है, इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं, कहाँ कहाँ रब कर सकता है, मार्कर जो है किस किस कलर का हो सकता है, या फिर दिखने में ऐसा होता है। आपने ये नहीं करा कि ये मार्कर है और ये डस्टर है, क्योंकि आपको इन चीजों का डिफ्रेंशिएट पता है, इन चीजों का ज्ञान आपके दिमाग में पहले से ही उपलब्ध है। तो वो क्या है कि जो भी ज्ञान आपको पहले से है आपके दिमाग में, जिस भी मानसिक संरचना में संरचना को आपने ज्ञान की, जिस भी ज्ञान की मानसिक संरचना को आपने दिमाग में बैठा रखा है उसे हम कहते हैं स्कीमा। यानी कि आपको डस्टर, मार्कर, बॉल और जो भी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं जो आपको पता है, जो आपको पहले से दिखाई दी है, आप उनके बारे में जानते हैं, उनका एक स्कीमा आपके माइंड में सेट है, उसे हम कहते हैं, यानी कि ज्ञान की मानसिक संरचना को हम कहते हैं स्कीमा। अब हम बात करते हैं आत्मसात्करण की, एसिमिलेशन की। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जो भी आपके पास पहले ज्ञान है उस ज्ञान को नया और जो भी ज्ञान है उसके साथ जोड़ना कहलाता है आत्मसात्करण। समायोजन कहलाता है पूर्व ज्ञान, जो भी आपके पास पहला ज्ञान है, जैसे कि आपको पता है कि ये डस्टर है, या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना या नए ज्ञान का निर्माण करना। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि ये डस्टर है, ठीक है, आपने सबसे पहले ये डस्टर देखा होगा, सपोज ये मार्कर देखा होगा तो आपको पता है अच्छा ये ब्लैक कलर का लिखता है, ठीक है। तो मार्कर जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और लेंथ उनकी इतनी होती है, और ये लिखने पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखने पर ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो जब आपको आगे चल के आपने किसी आपका क्लास में कोई दूसरा टीचर आता है, आप देखते हो कि सेम यही इस तरह की चीजें जो है रेड भी लिखती है, इस तरीके चीजें जो है ग्रीन भी लिखती हैं, थोड़ी पतली भी हो सकती हैं, थोड़ी मोटी भी हो सकती हैं, तो वो सब चीजें क्या है कि आपके पास जो पहले से अवेलेबल ज्ञान था, यानी कि इस साइज का जो है पेन, मोटा सा पेन,
और जिसकी जो ब्लैक कलर का लिखता है और मोटा होता है, इतना लंबा होता है, वो जो है आप में कंफ्यूजन की स्टेट आ गई कि अच्छा ये भी मार्कर है क्या, क्या मार्कर ग्रीन भी होते हैं, क्या मार्कर ब्लू भी होते हैं। तो यानी कि आपको अब तक ये पता था कि जो मार्कर है वो है सिर्फ ब्लैक कलर का लिखता है, इस साइज शेप का होता है। लेकिन जब आपको बोर्ड पर दूसरे टीचर ने किसी और कलर के मार्कर से लिखा तो आपको ये पता चला कि नहीं, मार्कर जो है दूसरे और कलर के भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे बड़े भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी। कुछ कंपनीज थोड़ी पतली मोटी भी बना सकती हैं। तो आपने क्या करा, जो भी आपके पास पूर्व ज्ञान था, यानी कि ब्लैक कलर का था, ये था, वो था, ये इन सारे पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके आपने ये तालमेल बैठाया कि नहीं, ये जो मार्कर है वो किसी और कलर का भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि आपने पूर्व ज्ञान में चेंजेस करके, परिवर्तन करके आपने दूसरे ज्ञान को उसके साथ जोड़ दिया है, या नए ज्ञान का ही निर्माण किया है, या बिल्कुल की बिल्कुल कुछ नया ही आपको देखने को मिला है कि नहीं, मार्कर ऐसे नहीं होते हैं, वो दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कि जो भी ज्ञान आप में पहला है उसमें या तो आप परिवर्तन कर सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मॉडिफाई या चेंजेस करके नए ज्ञान के साथ उसे मिक्सअप कर दिया है, उसे मिक्स कर दिया है, तो उसे हम बोलेंगे समायोजन, या फिर पूरे ही अलग तरह का ज्ञान का निर्माण आपने किया है। तो यही क्वेश्चन सीटेट के क्वेश्चंस में आता है, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नए ज्ञान का निर्माण या परिवर्तन जब हम ज्ञान में करते हैं तो फिर वो कौन सी वाला प्रोसेस है, आत्मसातकरण है या समायोजन है। ये तो आत्मसातकरण क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना और पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करना, चेंजेस करना। देखिए परिवर्तन ये दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन चेंजेस करने का मतलब यह है कि जब कभी आप कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाते हो, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मार्कर है वो आपने दूसरा देखा और आप कंफ्यूज हो गए कि नहीं ये मार्कर हो भी सकता है, ये मार्कर नहीं भी हो सकता, तो आप कहाँ पहुंच गए, आप एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट पर पहुंच गए कि अब तो ये जो मेरे पास स्कीमा था मेरे माइंड में, आपके माइंड में जो स्कीमा था कि मार्कर ऐसे ही होते हैं, वो सब जो है गलत साबित हो गया है। तो गलत साबित हो गया जब आपको दूसरा मार्कर दिखाई दिया किसी और शेप साइज और कलर का, तो आप उसे क्या करेंगे, एक बार चला के टेस्ट करेंगे, है ना, आप टेस्ट करके जरूर देखेंगे, है ना। तो उसे हम क्या करा, उसने जब हमने वो चला के देखा, रब करके देखा, तो हमें पता चला नहीं ये भी एज अ मार्कर ही है या फिर ये मार्कर ही हो सकता है। तो जब आप डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट पर पहुंच कर उस ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं समायोजन, ठीक है। और जब आप पूर्व ज्ञान में ही किसी नए ज्ञान को जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण, पूर्व स्कीमा में ही नए स्कीमा को जोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं संगठन की, जो दूसरा पार्ट है। एडेप्टेशन बहुत ही बड़ा पार्ट था इसलिए उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली है क्योंकि इसमें नए ज्ञान का निर्माण भी होता है, नए स्कीमास बनते हैं माइंड में। और जो आत्मसातकरण है ये छोटा प्रोसेस है, इसे पियाजे जी ने थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दी है। अब हम बात करते हैं संगठन की। संगठन यानी कि जो भी आपको ये नए नए ज्ञान मिल रहे हैं, डेली नए नए स्कीमास जो आपके माइंड में बन रहे हैं, चीजों को देख देख कर, वातावरण में नई नई चीजों को देख कर जो अभी आपके माइंड में मानसिक संरचनाएं बनती जा रही है, उसको आप ऑर्गेनाइज किस तरीके से कर रहे हैं अपने माइंड में, आपने किस कैटेगरीज में कौन सा स्कीमा रखा है, कौन सी चीजें कहाँ पर रखी हैं, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे कहीं आप मार्केट में किसी बिग शॉप पर जाते हैं तो शॉप पर आपने देखा होगा जितनी भी टाइप की साबुन होती हैं सब एक सेल्फ में रखी होती हैं, दूसरे टाइप का आइटम दूसरे शेल्फ में रखा होता है। सपोज शैम्पू है तो वो दूसरे शेल्फ में रखे होते हैं, सपोज कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट है तो वो फ्रिज में रखा होगा, कोई भी पेप्सी है, कोक है या फिर कोई भी ड्रिंक्स हैं वो आपकी फ्रिज में एक साइड रखी होंगी। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है कैटेगरीज के बेस्ड पर या उसकी चीजों की प्रॉपर्टी के बेस पर, किस तरीके से आपने कैटेगरीज में स्कीमास को अरेंज किया है अपने माइंड के अंदर, उसे हम कहते हैं
ऑर्गेनाइजेशन और संगठन। तो यहाँ तक की बात आती है उनके इस इक्विबिलियम से और इक्विबिलियम की तरफ चलने के प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विबिलेशन। और ये सब हमने पढ़ा है अभी तक कि फिजिकल इन्वायरमेंट के बेस पर, फिजिकल वर्ल्ड के बेस पर जो भी हमें नए नए ज्ञान की इन्वायरमेंट से नए नए ज्ञान का हमें स्कीमास मिलते हैं, उनसे स्कीमास से हमारे दिमाग में जो मेंटल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, यहीं तक था इनका प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बेस। अब इस बेस पर उन्होंने जो है बच्चों की चार वो बताई हैं, स्टेजेस बताई हैं, जिनको मैं आगे फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।